गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बेनियम। इससे पहले वाले लेक्चर में हम रिएक्शन मैकेनिज्म के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कार्बो केटाइन हम पढ़ चुके हैं और उसके नेक्स्ट कार्बेनियम के बारे में बात डिटेल से स्टडी करेंगे। कार्बेनियम एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ड्यूरिंग द रिएक्शन ये कोवेलेंट बॉन्ड के हेट्रोलाइज बॉन्ड क्रिएशन के द्वारा बनता है। मींस कोवेलेंट बॉन्ड के जैसे मेथेन है, ये आपका है CH4, इसके हेट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज से हेट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज और ये आपका कार्बेनियम आयन कोवेलेंट बॉन्ड के हेट्रोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज से कार्बेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के जो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन से दूर एक ही एटम पे चले जाते हैं, इसलिए इसको कार्बेनियम कहेंगे। ये जो कहते हैं कि जो इसका हम स्ट्रक्चर कहेंगे, यानी कार्बेनियम जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा वह कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है, sp3 हाइब्रिड। और ज्योमेट्री इसकी होती है पिरामिडल, sp3 हाइब्रिड एंड पिरामिडल होगी। यदि हम इसकी आपका स्टेबिलिटी या टाइप ऑफ कार्बेनियम की बात करते हैं तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्बेनियम, तो इसमें वही होगा प्राइमरी कार्बेनियम, सेकेंडरी कार्बेनियम और टर्शियरी कार्बेनियम। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बेनियम का क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो डिपेंड करता है कि जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे इतने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। जैसे टर्शियरी की बात करें, यदि यहाँ पर नेगेटिव है तो ये तीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, जैसे CH3, CH3, CH3। दिस इज टर्शियरी, मीन्स 1, 2 और 3 तीन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको टर्शियरी कहेंगे। 3 degrees ऑफ पेरियम सेकेंडरी, इसका मतलब यहाँ CH3 और CH3 1, 2 दो दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा, इसमें 2 degrees। और CH और CH3H इसको कहेंगे प्राइमरी या 1 degree। और जिस पर कोई कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होगा उसको कहेंगे मैथिल कार्बेनियम। प्राइमरी को हम 1 degree कार्बेनियम भी कह सकते हैं, इसको 2 degree कार्बेनियम कह सकते हैं, इसको 3 degree कार्बेनियम कहते हैं। यानी प्राइमरी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, सेकेंडरी दो कार्बन से जुड़ा होगा, टर्शियरी 3 कार्बन से जुड़ा होगा, और मैथिल कार्बेनियम किसी प्रकार के कोई कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मैथिल जो है हाइड्रोजन से जुड़े होंगे,
ये हमारे जो कार्बेनियन है उसकी क्लासिफिकेशन है। यदि स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी इन तीनों में ही स्टेबिलिटी की हम बात करें 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री जो है सबसे कम स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये देखिए आपका CH3, ये आपका है 1 डिग्री है, और ये मेथिल कार्बेनियन है, और ये आपका 2 डिग्री, एंड ये CH3 और CH3 ये आपका 3 डिग्री। इलेक्ट्रोस्टैटिक नियमानुसार यदि किसी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो वो अनस्टेबल होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज होगी तो स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीजेज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी कार्बन पर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज होगी, क्योंकि ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट इन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 9 डिग्री, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कार्बन इंक्रीजेस ड्यू टू 3 methyl groups। एंड सेकेंडरी कार्बेनियन, इन द सेकेंडरी कार्बेनियन देर आर ओनली 2 methyl groups। जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो 2 methyl groups के द्वारा डाला जाएगा, इसके द्वारा और इसके द्वारा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ेगी वो 2 methyl groups के द्वारा ही बढ़ेगी, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम होगी, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां होगी। बिकॉज देयर इज नो इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप्स, बिकॉज देयर आर 3 methyl groups, देयर आर 2 methyl groups, देयर आर 1 methyl groups, एंड देयर आर नो एल्किल ग्रुप्स। जिस मॉलिक्यूल या जिस कार्बेनियन में मेथिल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। इट मीन्स हम यहां से यहां तक मूव करते हैं, यहां से अपन प्लस आई इफेक्ट यदि बढ़ता है, इफ द प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सो इन दीज मॉलिक्यूल्स द मोस्ट स्टेबल कार्बेनियन इज मेथिल कार्बेनियन, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। टर्शरी कार्बेनियन इज लेस स्टेबल ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मेथिल ग्रुप 3 methyl groups, एंड सेकेंडरी कार्बेनियन इज टर्शरी कार्बेनियन से ज्यादा स्टेबल होगा, फिर प्राइमरी इससे ज्यादा स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मेथिल कार्बेनियन। यदि हम कंजुगेटेड सिस्टम की बात करें कि जैसे एलिल कार्बेनियन है
अलील कार्बेनियन, due to the resonance or due to the delocalization of pi electrons there are two structures. So allyl carbenyl is more stable than primary, tertiary, secondary or methyl carbenyl. Means iski stability hai wo methyl jo aapka methyl carbenyl hai usse zyada hogi. Yadi aromatic carbenyl ki hum baat kare, aromatic means jaise benzyl carbenyl hai, so due to the resonating structures benzyl carbenyl is more stable. देखिए बेंजील कार्बेनियन, बेंजील कार्बेनियन यदि इफ वी डिस्कस द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजील कार्बेनियन देन दिस एंड यहां चला जाएगा. मीन्स एंड ये यहां बॉन्ड बना लेगा और ये CH2
4sp3 ऑर्बिटल्स, 3 out of 4 3sp3 ऑर्बिटल्स मैक्स 3 sigma bond and remaining 1sp3 orbital having negative charge or non-pair of electrons, non-pair of electrons. ये आज हमने कार्बेनियन को डिटेल से पढ़ा है, कैसे कार्बेनियन का निर्माण होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, कौन सा इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसकी ज्योमेट्री पिरामिडल होगी, पिरामिडल दिस इज लोन पेयर, दिस थ्री दिस आर सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज लोन पेयर वैकेंट एसपी थ्री ऑर्बिटल्स, दिस इज द पिरामिडल स्ट्रक्चर. Thank you.